अब निशा कभी लौटकर घर नहीं आएगी। अब कभी वो ना तो क्लास के बच्चों के साथ खेलेगी और ना ही लंच शेयर करेगी, क्योंकि एक सड़क हादसे में उसकी मौत जो हो गई है। पूरा मामला सोनीपत का है, जहां निशा सुबह स्कूल के लिए निकली थी, मगर कालूपुर चुंगी के पास से गुजर रही एक निजी बस का टायर उसके ऊपर से गुजर गया, जिससे निशा की मौके पर मौत हो गई। हालांकि बस चालक ने उसकी जान बचाने के लिए उसे अस्पताल में भर्ती तो करा दिया, मगर डॉक्टर भी क्या कर पाते। 9 साल की मासूम निशा तो दम तोड़ चुकी थी। बेटे की मौत के गम से उसकी माँ का बुरा हाल है। तो देखा आपने, जब एक माँ के कलेजे का टुकड़ा उससे अलग हुआ तो किस कदर माँ अपना आपा खो बैठती है और बदहवास हालत में सिर्फ रोकर अपनी बेटी को याद करती है। जा रही थी 8:40 पे, 7:40 पे, 7:40 पे जा रही थी। बस 3 बच्चे थे उसके साथ। बस वाला आया साइड से, उसको हॉर्न दिया क्या नहीं दिया पता नहीं, उसके सर पे चढ़ा के चली गई। अच्छा, किस स्कूल की बस थी आपकी बेटी? ये नवीन स्कूल की स्कूल बस, नवीन स्कूल की। हाँ जी। आपकी बेटी का क्या नाम था? निशा। कितने साल की उम्र थी? 9 साल। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 2री में। कौन से स्कूल में पढ़ती थी? सरकारी में। कौन से कहाँ पे है सरकारी स्कूल? ये मोहन नगर में। सुबह 7:40 पे स्कूल जा रही थी तो बस के साथ हादसा, बस ऊपर सिर के ऊपर से निकल कर गया। तो ये मतलब राकेश के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं जी, तीनों गुड़िया। अच्छा, तीनों लड़कियाँ। ये जो बड़े वाली थी इसका हादसा हुआ है, और ये तो बस क्या बस स्पीड में थी या कैसे वो थी? ये स्पीड में तो पता नहीं सर, मोड़ पे था, मोड़े थी और ड्राइवर ने बताया हॉर्न मारा, हॉर्न मारते तुरंत। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान उसके साथ कुछ और बच्ची भी थी जो स्कूल जा रही थी। बस चालक ने उसे बचाने की कोशिश तो की, मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। सामने से आ रहा था तो सामने से बच्चे जा रहे थे आगे की शहर से जी। तो मैंने उन्हें देख लिया, मगर हॉर्न मार दिया क्योंकि मुझे टर्न लेना था कि वो रुक जाए। तो वो रुकने की बजाय क्रॉस करके वो वाली सड़क कर क्रॉस के कंडक्टर साइड में आ गए जी। तो फिर मैंने भी बस स्लो करी कि स्लो तो है ही मोड़ में। तो जब उसके बगल में एक सीवर है जी, उसके जस्ट आगे थोड़ा एक और सीवर है, उसमें थोड़ी सी किनारी सी है ऐसी सी, ताकि पैर रखे तो कोई ऐसे हो जाए, वो स्लिप हो जाए। तो सर मैंने कंडक्टर साइड भी ध्यान दिया तो 2 बच्चे तो दिखाई दे रहे थे, 3 थे वो, तो 2 बच्चे तो मुझे दिखाई दे रहे थे। एक थोड़ा लग रहा था मुझे, हाँ मुझे लगा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर मैंने स्लो ही कर रखी थी। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद सामने से आवाज़ आई, अरे भाई रुक जा रुक जा। तो मैंने बस का ब्रेक मारा और मुझे लगा कि कोई सीरियस है, तो मैंने थोड़ा राइट में टर्न लिया ताकि पिछला पहिया और कुछ गड़बड़ ना होगी। वो पिछला पहिया मैंने बचाया और आगे आ गया, बस रोक के फिर मैंने उस बच्चे को उठाया। एक तरफ तो निशा के घर में मातम का माहौल पसरा है और दूसरी तरफ उस क्लास का भी माहौल निशा के न आने से ठीक नहीं है। ना तो टीचर का ही पढ़ाने में मन लग रहा है और ना ही छात्र पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो सभी निशा की खाली पड़ी डेस्क को देखते ही उसे याद करने लगते हैं। क्लासरूम में तो सभी बच्चे भी दुखी हैं, तो उनको लग रहा है कि उनके साथ का जो एक कलीग था, उनकी दोस्ती, वो चली गई, जिसके साथ हम कल बैठे भी थे, खेले भी थे, खाना भी खाया था, पढ़ाई भी करी थी। एक बार तो आते ही सबको सदमा लगा था, इवन पढ़ाने का भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर बच्चों का मूड चेंज करने के लिए, थोड़ा उनको डाइवर्ट करने के लिए 1 घंटे बाद फिर हमने उनकी पढ़ाई की तरफ फोकस किया ताकि बच्चे थोड़ा। निशा का परिवार कालूपुर चुंगी में किराए के घर में रहता था। उसके पिता राकेश को क्या मालूम था कि वो अपनी बेटी के मुंह से आखिरी बार पापा शब्द सुन रहा है। उधर हादसे के बाद मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। सोनीपत से सनी मलिक और राम सिंह मार, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।